हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्राफ्ट्स एंड बिल्डिंग क्राफ्ट के नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम वापस एक बार क्राफ्ट्समैन खेलने वाले हैं। क्राफ्ट्समैन में आज हम कुछ करने नहीं वाले, क्योंकि आज हमारे साथ ही कुछ हो चुका है। जैसे कि आज तक की वीडियो के अंदर आप देखते आए हो, मेरा चेहरा इतना गंदा भी नहीं दिखता जितना आज दिख रहा है। आज पता नहीं क्या हो चुका है, मेरे चेहरे के ऊपर इतना बड़ा रेड कलर का मार्क आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया मेरे चेहरे की लुक कर रहा है। और मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे चेहरे के ऊपर ऐसा कुछ मार्क आ जाए और जिसको मैं हटा भी नहीं सकता। और ये क्यों आया है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें इसको सिर्फ और सिर्फ हटाना है, और भाई किसको कैसे हटाते ये भी मेरे को पता नहीं। आज सुबह मैं बाथरूम के अंदर नहा रहा था, मैंने पानी मार के देखा अपने थोबड़े के ऊपर, पर फिर भी ये मार्क जान गया नहीं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये कोई इन्फेक्शन या फिर कोई वायरस वगैरह की वजह से तो ये मार्क नहीं आया है ना। भाई साहब, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे मन के अंदर बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। पर अभी हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन है ही नहीं मेरे पास यार। मैं चाली भाई के साथ बात करता हूँ, चाली भाई आई थिंक इसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। या फिर मैंने दूध भी पी कर देखा गाय का, पर उसकी वजह से भी कुछ हुआ नहीं है। तो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम चाली भाई से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, और क्या मालूम उनको इसके बारे में कुछ पता होगा, या फिर हम उनके साथ आखिरी बार मिल लेते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर मेरा ही सबसे अच्छे दोस्त तो चाली भाई है। तो उनके साथ हम आखिरी बार मिल लेते हैं। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मार्क अगर गया नहीं तो मैं मर जाऊँगा। भाई साहब, बहुत ज़्यादा घटिया फीलिंग है, और इस फीलिंग की वजह से मैं चाली भाई को मिलना चाहता हूँ। कहाँ पर है चाली भाई यार? चाली भाई, मेरे से मिल लो एक बार, आपका दोस्त मरने वाला है, जल्दी से मिल लो। जितना कि मेरे को पता है, चाली भाई कहीं ना कहीं पर तो फिशिंग कर रहे होंगे, और ये रहे, यहाँ पर है चाली भाई। बेचारे अकेले अकेले फिशिंग कर रहे हैं, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरे को फिशिंग पसंद नहीं। पर अभी चाली भाई को एक बहुत ही ज़्यादा घटिया सी न्यूज़ मैं देने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ चाली भाई यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं। पर अभी हम उनको अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं। और भाई साहब, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कैसी प्रॉब्लम है यार। तो अभी हम पूरी रात बात करेंगे चाली भाई से, देखते हैं। तो गाइस, अभी चाली भाई के साथ हमारी बात हो चुकी है, और चाली भाई ने तो मेरे को बहुत ज़्यादा सही वाला सोल्यूशन दे दिया है, और इस सोल्यूशन 100% काम करेगा, क्योंकि चाली भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनकी बात मेरे लिए एकदम खतरनाक 100% वर्किंग बात है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और उनकी बात के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो चाली भाई जो कहेंगे वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ होगी यार। गुड न्यूज़ मीन्स खबर। तो अभी हमारे पास एक चाली भाई ने मेरे को क्या बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। चाली भाई ने मेरे को ये बताया कि पास वाले विलेज के अंदर एक डॉक्टर आया है जो कि चाली भाई के दोस्त थे, पर मेरे दोस्त नहीं है, तो मेरे को कोई वो ऐसे डिस्काउंट वगैरह देगी नहीं। पर उस वो बात गई भाड़ में, हमारे पास वाले विलेज के अंदर एक डॉक्टर आ चुके हैं जो कि इलाज करते हैं, और उनके पास इस चीज़ का भी इलाज हो सकता है, हो सकता है हाँ, पर मेरे को पता नहीं 100% हो सकता है कि नहीं। तो आज हमें उस डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर जाना पड़ेगा, क्या मतलब उनके पास इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो सकता है। तो अभी हम आज जल्दी से जल्दी उन डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। तो अभी मैं ना थोड़ी बहुत तैयारी कर लेता हूँ, और उसके बाद हम उस डॉक्टर के पास चलेंगे। वैसे मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो डॉक्टर कैसा है। चाली भाई भी उनके उससे दोस्ती करके बैठे हैं, पर उन्होंने मेरे को उसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो हमारे विलेज के अंदर, उस वाले विलेज के अंदर कोई ना कोई विश्वासु इंसान है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं। तो ये रहा, सामने ही मेरे को दिख रहा है वो क्लिनिक, पर इसके अंदर मैं डायरेक्टली जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे को किसी ना किसी विलेजर्स के साथ बातचीत करके इस क्लिनिक के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी मैं जल्दी से किसी विलेजर को ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पर कोई विलेजर है कि नहीं भाई साहब? आपस कोई दिख भी नहीं रहा, यहाँ पर चहल पहल कुछ हो ही नहीं रही। भाई साहब, यहाँ के सारे विलेजर कहाँ मर गए? हाँ, ये घर, इस घर के अंदर सारे के सारे विलेजर। भाई साहब, ये क्या पूरा सन्नाटा बैठा हुआ है इस घर के अंदर? मैंने हर विलेजर को जाते हुए देखा है, सारे के सारे विलेजर इस घर के अंदर ही अपना डेरा जमाए बैठते हैं। तो अभी यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी के पास नहीं जाना, बाबा जी मेरा इतना घटिया सा थोबड़ा देखेंगे मेरे थोबड़े के ऊपर, मेरे के थोबड़े को देखकर वो मेरे को शाप ना दे दे। भाई साहब, बाबा जी बहुत ज़्यादा अच्छे यार, इतने शाप देने वाले में से तो नहीं है। मेरे को पता है एक विलेजर यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का एक बंदा स्नाइपिंग करता रहता है, और वो यहाँ पर रहता ही है अलवेज, डिस्पॉन कभी होता नहीं। तो अभी इससे हम बातचीत कर लेते हैं। तो गाइस, अभी हमारे इस विलेजर के साथ बातचीत हो चुकी है, और इस विलेजर ने हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अभी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। भाई साहब, इतने अच्छे से हमको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता जा रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इस विलेजर ने मेरे को क्या बताया। पहले हम इस विलेजर को गुड बाय कर देते हैं, बाय बाय, थैंक यू, तूने मेरे को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इस विलेजर ने बताया कि वो जो डॉक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेता है इलाज के, और इसके पास ये सोल्यूशन होगा। और आप लोग बात नोटिस की होगी कि इस गांव के अंदर कोई भी विलेजर नहीं है, तो वो विलेज सारे विलेजर्स को इस गांव के अंदर के कोरोना हो चुका है, कोरोना वायरस इस गांव के अंदर आ चुका है, और इस विलेजर को कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि इस विलेजर ने कोवैक्सीन ली थी। तो आज हम भी कोवैक्सीन लेंगे, और भाई साहब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो भाई साहब, उस विलेजर ने मेरे को बताया था कि रात के वक्त डॉक्टर होते वहाँ पर, तो डॉक्टर से मिलने को रात को ही जाना,
तो अभी हम रात पे जाने वाले इस क्लिनिक के अंदर। भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा है ये क्लिनिक मेरे को, पर फिर भी हमको जाना पड़ेगा इस क्लिनिक के अंदर, क्योंकि मेरे दिमाग के ऊपर एक रेड मार्क आ चुका है जो कि मेरे को जल्दी से जल्दी मिटाना है, क्योंकि मेरे को उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी हम डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर जल्दी से घुस लेते हैं, क्योंकि हमें अपना इलाज ठीक हमें अपना इलाज करवाना है। तो अभी जल्दी से इस डॉक्टर के हम घर के अंदर, घर नहीं क्लिनिक के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। और ये क्या भाई, वेलकम, थैंक यू डॉक्टर भाई, बहुत ज़्यादा संस्कारी डॉक्टर लग रहे हैं मेरे को, और बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे भी दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये मेरा अच्छे से इलाज कर देंगे। और ये रहे सारे के सारे विलेजर, इनको कोरोना वायरस हो चुका है, उस बंदे ने मेरे को बताया था। तो अभी मेरा बेड आई थिंक वो पाँचवा वाला बेड है, और मुझे इन कोरोना वायरस के बंदों के साथ सोना पड़ेगा क्या? तो अभी इस डॉक्टर के साथ हमें बातचीत करनी है और इसको हमारी प्रॉब्लम बता देनी है, तो हमें बातचीत कर लेता हूँ। तो गाइज अभी हमारी सारी की सारी बातचीत डॉक्टर के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। डॉक्टर अभी मेरा चेकअप करने वाले हैं, उसके बाद उनको मेरी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगी। पहले मैं थोड़ा बहुत डिस्टेंस बनाए रखता हूँ, क्योंकि इन कोरोना विलेजर्स की वजह से मेरे को कोरोना ना हो जाए। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बाजू में बैठूंगा, और डॉक्टर हमारी चेकअप की तैयारी कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा पैसे लेने वाले हैं मेरे से, पर इन्होंने मेरे को पैसे बताए नहीं। तो अभी हम जल्दी से यहाँ पर बैठ लेते हैं। तो गाइज अभी मेरे को इस बेड के ऊपर सोना है, और हमारा डॉक्टर चेकअप करने वाले हमारा भाई साहब, बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ यहाँ पर एक कोरोना के विलेजर्स, पर मेरे को कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारे बीच में एक वॉल है। तो अभी जल्दी से चेकअप करने वाले डॉक्टर गाइस, अभी हमारा चेकअप जल्दी से कंप्लीट हो चुका है भाई, बहुत अच्छे तरीके से चेकअप कंप्लीट हुआ। मैं तो सो गया था, पर डॉक्टर ने क्या किया मेरे को पता नहीं, पर मैं जिंदा ही उठा हूँ, तो अभी डरने वाली बात नहीं। पर अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या हुआ है भाई साहब, चेकअप के बाद कुछ हुआ है, मेरे को कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है ना? पर मैंने विलेजर्स को देखा वहाँ पर जो कोरोना से इन्फेक्टेड थे, उनको ऐसा कोई रेड कलर का मार्क नहीं आया था। देखते वैसे डॉक्टर इतने सीरियसली बात नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे को डर नहीं लगेगा। तो अभी हम जल्दी से डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बुलाया था, वो मेरे को गोलियाँ और मेडिसिन देने वाले हैं जो कि मेरे को हुआ है उसको ठीक करने के लिए। तो अभी हम जल्दी से जाने वाले हैं डॉक्टर के पास। अभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पर डर सिर्फ इस बात का है कि डॉक्टर मेरे से कितने पैसे मांगेगा। छोड़ यार पैसे, जितने भी चले जाए, पैसे तो आते रहते हैं, पैसे तो देने भी नहीं है मेरे को, बार्टर सिस्टम के ऊपर इसको देना है कि जो मेरे को गोलियाँ देगा उसके बदले में मेरे को इसको कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ेगी, जैसे कि मेरे को इसको वुड या फिर कुछ और जो भी चीज़ें माइनक्राफ्ट में होती है वो देनी पड़ेगी। तो इसने मेरे को अभी गोली दे दी, और ये क्या है, कोवैक्सीन, भाई साहब कोवैक्सीन दे दी इसने मेरे को, और कोवैक्सीन ऐसे बॉल के अंदर, भाई पागल हो चुका है क्या डॉक्टर, बॉल के अंदर कोवैक्सीन कौन देता है, इंजेक्शन से लगानी पड़ती है। छोड़ यार मैं इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, इसकी वजह से अब अच्छा है कि इसने मेरे को गोली और एक बॉल के अंदर ऐसे लिक्विड रूप में कोवैक्सीन दे दी। तो अभी ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, भाई साहब ये विलेजर मेरे पास क्यों उतरा है, भाई साहब इसको कोरोना है यार, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, पता है इनको मेरे बीच में एक इनविजिबल बॉल है, पर हम उसको ऐसे मेरे को दिख नहीं रही वो वॉल है कि नहीं, तो इसकी वजह से हम रिस्क नहीं उठाएंगे, मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे को कोई ना कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो अभी ये डॉक्टर ने क्या लिखा है, प्राइस 2 stack Oakwood, भाई साहब इसने इतनी बड़ी प्राइस ले मांगी है, भाई ये डॉक्टर पागल है क्या, इतने 2 stack Wood छोटू सा इलाज करने के, अभी तक मेरा वो मार्क चला भी नहीं गया, मैं अभी भी कमज़ोर फील कर रहा हूँ, डॉक्टर क्या कर रहा है तू यार इतने पैसे। तो अभी मैं डॉक्टर से एक परमिशन मांग रहा हूँ कि मेरे पास इतने ओकवुड है नहीं, मैं घर से लेके आऊँगा, मैंने सोचा था मैं 20 planks दे दूँगा और रफा दफा कर दूँगा, पर इस डॉक्टर ने इतना पैसे इतना सारा सामान मांग लिया कि मेरे को घर में जाके लेके आना पड़ेगा। तो ये परमिशन दे क्यों नहीं रहा मेरे को, घर में जाके लेके आने पड़ेंगे ओकवुड, भाई साहब परमिशन दे मेरे को, अरे क्या कर रहे पागल है क्या, नहीं ओके बोल दिया है, तो अभी हम जल्दी से लेके आते हैं। आई थिंक इस डॉक्टर को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, इसकी वजह से ही इतना सोच रहा था, भाई साहब मेरे पास अगर सैडल होती ना मैं चल के जाता घोड़े के ऊपर, पर अभी हमको चल के दौड़ के जाता घोड़े के ऊपर, पर अभी हमको चल के जाना पड़ेगा। तो चलते जल्दी से हमारे घर के अंदर। तो गाइस अभी मैं क्लिनिक के अंदर वापस आ चुका हूँ, और अभी मैंने 2 stack Oakwood ले लिया है, अभी हम इस डॉक्टर के मुंह के ऊपर इस 2 stack Wood को फेंक देंगे। भाई साहब ये क्या बोल रहा है, अच्छा मेरे को एक कैश बॉक्स के अंदर इस ओकवुड को डालना है, ये कैश बॉक्स ही है ना, मैंने सीधा ओपन कर दिया, भाई साहब डॉक्टर मेरे को पीछे से मार देगा। और ये रहा इसका ओकवुड, मैंने कोवैक्सीन और वो जो मेरे को गोली दी थी वो खा ली है, पर अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। अब ये डॉक्टर क्या कर रहा है, ठीक हो चुका हूँ मैंने अभी तक देखा नहीं मिरर के अंदर अपने थोबड़े को। अभी यहाँ पर ये डॉक्टर और क्या कर रहा है, ओह माय गॉड इसके हाथ में गोल्डन एप्पल है, ओ ये मेरे को कह रहा है कि इसको तुम्हें अभी खाना है, ओके अभी तो मैं इसको खा ही जाऊँगा सच्चे में यार, बहुत ज़्यादा सही भाई, ये क्या कर दिया, मैंने आज तक गोल्डन एप्पल देखा नहीं। आई थिंक इस बंदे ने इतने जो पैसे, इतने जो वुड लिए हैं ना,
वो इस एप्पल की वजह से ही दिए, तो अभी मैंने उसको थैंक यू बोल दिया है और अभी हम जाके सोएंगे और उसके बाद अपने चेहरे को देखेंगे क्या इस डॉक्टर ने हमें ठीक किया है कि नहीं, बंदे की आज हम जान लेने वाले हैं। तो गाइस फाइनल मैं ठीक हो चुका हूँ और मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना भाई साहब। उसने मेरे को जो गोल्डन एप्पल दिया है वो भी मैं अभी खाने वाला हूँ, क्योंकि उसने मेरे को कहा है कि अभी तक आप थोड़ा बहुत कमज़ोर हो, आपको अगर ठीक होना है तो आपको उस गोल्डन एप्पल को खाना होगा, फिर आप वापस से पहले जैसे हो जाओगे। और अभी मैं उस गोल्डन एप्पल को भी खा लेता हूँ। तो ये रहा वो गोल्डन एप्पल, जल्दी से इसको खा लेते हैं भाई, कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और अभी इसको हमें खाना पड़ेगा वरना हम ठीक नहीं होंगे भाई। मैं इसको सेव करके रखता ना तो भी चलता, छोड़ो यार आज हम ठीक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है जो की। तो अभी आई होप कि आपको आज इस वाली वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा, प्लीज़ लाइक कर दो अगर आपको मज़ा आया है तो, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ये कुछ अलग टाइप का वीडियो था पर फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आज क्या हुआ था मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर अभी हम फाइनल ठीक हो चुके हैं तो अभी उस प्रॉब्लम को हम भूल जाते हैं और वापस से खुशियों के साथ अपनी सर्वाइवल सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय गुड बाय, चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।